वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या आप सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया होगा जो सेट अभी मैंने कंडक्ट किया था, है ना। बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी दिया होगा, मैंने लिंक लगातार उसका शेयर किया था आपके साथ में, है ना। तो ज्यादातर बच्चों ने टेस्ट दिया होगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो टेस्ट कितने बच्चों ने दिया है? अभी भी टेस्ट हुआ है बेटा, जस्ट अभी टेस्ट कंप्लीट हुआ है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है और 2-3 टेस्ट आज और कराऊंगा, ठीक है। अभी तैयार रहिएगा आप, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आज रात में आपके टेस्ट होंगे, है ना, 7:30 बजे से, 8:30 बजे से, 9:30 बजे से, है ना। कई सारे टेस्ट में कराऊंगा। अच्छा चलो, जिसने दिया है बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो अभी भी दे सकता है वो, है ना। अभी तो प्रीमियर चल रहा था, अब आप नॉर्मली टेस्ट दे सकते हैं, है ना, और उसमें भी टाइमर चलता रहेगा। बेटा 500 वाली क्या, मैं सोच रहा हूँ 100-100 करके ही आपको प्रोवाइड करता हूँ। 500 वाली फिर एक साथ हो जाएगी, उसमें आप बोर हो जाओगे, है ना। तो 100-100 क्वेश्चन की मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। कल भी हमारा यही प्लान है कि दिन भर में आपको 8-10 टेस्ट करा दिए जाए, है ना, 20-20 मिनट के। अच्छा रात में 12 बजे अपलोड कर दिया करें, चलो ठीक है। नहीं सेम टेस्ट नहीं बेटा, टेस्ट हर बार अलग ही होगा। 100-100 क्वेश्चन के अलग अलग मैं अपलोड करता रहूंगा। तो एक कल मैंने कराया था, एक अभी मैंने करवा दिया है। अभी ये जब आपके सेशन कंप्लीट होगा रिवीजन वाला, इसके बाद फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बेटा लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ हर जगह पर, है ना, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, तो पता हो तो आपको चल ही जाना चाहिए। ठीक है, पंद्रह सेकंड टाइम कर दिया जाए। अच्छा टाइम सही है, 15 सेकंड कर दिया जाए, बताओ। क्वेश्चन सेम क्यों होंगे बेटा, क्वेश्चन तो अलग अलग ही होंगे ना। अच्छा चलो, आज की हमारी यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बेटा एनटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सोच रहा हूँ इसी से सेट से करवा दूं आपको, है ना। उसमें कम टाइम में आप कर लोगे, 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कराऊंगा तो मैं 40 मिनट लगेगा, है ना, और तो 40 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्या कहते हो? अब रिवीजन तो हम सेट से कर नहीं सकते हैं, तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट नंबर है 8। 7 यूनिट हम रिवाइज कर चुके हैं, अब केवल 3 यूनिट बची हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोटेक और ह्यूमन वेलफेयर। कल हम बायोटेक और ह्यूमन वेलफेयर दोनों के 5 चैप्टर एक साथ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट में 4 चैप्टर आप जानते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ज्यादातर एग्जाम्पल होते हैं जहां पर आपको दिक्कत होती है, तो उन्हीं को हम मेनली यहां पर रिवाइज करेंगे। सानिया बेटा जो सेट है वो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में हर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, और 10 सेकंड में आपको आंसर करना होता है, उसके बाद आंसर डिस्प्ले हो जाता है, है ना। तो ये 2 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं बेटा, कल एक किया गया था, आज एक किया गया, और आज 2-3 टेस्ट में और अपलोड करूंगा इस सेशन के पूरा होने के बाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी करवा दूंगा बेटा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सेट करा देंगे, जितना पॉसिबल हो सकता उतना करा देंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को, ठीक है, 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए सब लोग, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर लीजिए, 1 मिनट में हम इसको स्टार्ट करते हैं। 5:24 हो रहा है, 5:25 पे।
रिवीजन वाला वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होता? पता नहीं बेटा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चलो ठीक करवा देता हूँ बेटा, जितना पॉसिबल हो जाएगा बेटा उतना मैं करवा दूंगा। साक्षी टेंशन हो रही, टेंशन तो होती है बेटा, वो तो सबको होती है। एग्जाम नजदीक आएगा तो सभी को होगी, जिसने पढ़ाई की है। आपको टेंशन नहीं हो रहा मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, तो टेंशन तो होती है। अच्छा, तो अंडरलाइन करवा देंगे, अगर रेड कलर के ऑप्शन में आंसर नहीं दिखता तो अगली बार अंडरलाइन करवा देंगे, ठीक है। तो 5:25 पे हम स्टार्ट करें चैप्टर द लिविंग वर्ड, 5:25 पे स्टार्ट करें, देखते हैं कितनी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। तुम लोग सेशन को लाइक भी कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना। संडे को मॉर्निंग में मैराथन? नहीं बेटा, संडे को तुम लोग अपना संडे को एकदम, सैटरडे को शाम से लेके और संडे तक फ्री रहना एकदम, है ना। इसलिए संडे सैटरडे को सुबह सुबह मैंने सेशन रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट यानी अर्नेस्ट मायर के बारे में। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट मायर, जर्मनी के रहने वाले थे, मतलब जर्मन थे, और इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट हैं, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। अस्सी साल का इनका साइंटिफिक कैरियर रहा, जिसमें इन्होंने रिसर्च किया ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड की स्टडी की, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ द बायोलॉजी, जिसको आप हॉस्टेज से याद कर सकते हो। हॉस्टेज में सारी ब्रांचेज आ जाएंगी, हॉस्टेज, ठीक है। इन्होंने करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी है बायोलॉजिकल स्पीसीज के लिए, और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको 3 प्राइज दिए गए, जिनको हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। पहला था बालजन प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्राफोर्ड प्राइज 1999, जिनको आप तीनों को याद कर सकते हैं सीबीआई से, क्राफोर्ड प्राइज, बालजन प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी। अब बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लिविंग के कैरेक्टर के बारे में। लिविंग में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। पहली जो प्रॉपर्टी है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पाई जाती है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। प्लांट की बात करें तो प्लांट में लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती, पूरे जिंदगी भर ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल में जो ग्रोथ होती है एक निश्चित उम्र के बाद बंद हो जाती है। लेकिन एनिमल में सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ चलती रहती है, सेल को रिप्लेस करने के लिए, लॉस सेल को रिप्लेस करने के लिए। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। अब ज्यादातर अगर हम हायर एनिमल और प्लांट की बात करते हैं तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब दोनों एकदम अलग घटनाएं हैं। लेकिन अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया मानते हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जैसे माउंटेन, बोल्डर और सैंड माउंड, ये भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है ये एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से होती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है इनसाइड से। इसलिए ग्रोथ हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एक्सेप्शन है। नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म में ट्रू रीजनरेशन होता है, फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा मोसेस में फ्रेगमेंटेशन होता है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिम होते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम होते हैं, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल, स्टराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इसलिए जो रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सकता हो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या है?
जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चलती हैं उन्हीं को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सभी प्लांट एनिमल फंजाई बैक्टीरिया सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चलती है उन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जाती। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन कराई जा रही है तो इसको ना तो हम लिविंग कहेंगे और ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। तो इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई एक्सेप्शन नहीं इसका। हाँ ये जरूर है कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है लिविंग थिंग नहीं होती, लेकिन इन्हें लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो कॉन्सियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉन्सियसनेस के बारे में। कॉन्सियसनेस की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, सब अपने एनवायरमेंट को आसानी से महसूस कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। तो एनवायरमेंटल जो स्टिमुलस होते हैं बेटा उनको ये महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि सभी में कॉन्शियसनेस पाया जाता है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल, नीट में पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको अपने सराउंडिंग के बारे में जानकारी है, लेकिन ह्यूमन अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफाइनिंग है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग की हम बात करें, जैसे एक पर्सन है जो कोमा में है, तो कोमा में जो पर्सन है अब उसके बारे में अगर पूछा जाए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, तो आप कहेंगे इसे नहीं डिफाइन कर सकते कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरेक्शन के बारे में। जितना भी लिविंग फिनोमिना है, जितना भी जीवन हमें धरती पर दिखाई दे रहा है, वो सब इंटरेक्शन की वजह से। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, लेकिन टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो सेल में नहीं पाई जाती है, जबकि सेल से मिलके ही सेल के इंटरेक्शन से ही टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना, लेकिन ऑर्गन की प्रॉपर्टी टिश्यू में नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या है कि जब इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन की वजह से हायर लेवल पर कुछ नई प्रॉपर्टी आती है जिन्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, इन्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो अब लिविंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और ये खास बात है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। कॉमन जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, डीएनए की बात करें, वेरिंग डिग्री का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेस पेयर, बेस पेयर का नंबर अलग अलग होता है। स्पीड क्या करें, स्पीड और बढ़ाएं कि कम करें, क्या चाह रहे हो? स्पीड तुम लोग क्या चाह रहे हो बेटा? सही है ना, ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारी अर्थ की जो डाइवर्सिटी है ये 1.7 टू 1.8 मिलियन, इसे हम बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। बायो डाइवर्सिटी का मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के बारे में। किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम रखने के तरीके को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। और नॉमन क्लेचर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम प्लांट के लिए बात करें तो प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम रखने का तरीका है वो दिया जाता है आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नॉमन क्लेचर के द्वारा। एनिमल का जो नाम रखा जाता है वो आईसीजेडन के कोड के द्वारा यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर के द्वारा रखा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल नॉमन क्लेचर, तो बाइनोमियल नॉमन क्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया और ये सिस्टम पूरी दुनिया भर में यूज किया जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बताया गया कि हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है।
और एक ऑर्गेनिज्म का नाम दो हिस्सों में रखना ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है, और कुछ इसके यूनिवर्सल रूल होते हैं जो हर साल नीट में पूछे जाते हैं। जैसे बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और इन्हें इटैलिक में लिखा जाता है, और इन्हें लैटिनाइज किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन किसी भी लैंग्वेज से हुई लेकिन उन्हें लैटिनाइज किया जाता है। पहला जो वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में जीनस को बताता है, जबकि सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। दोनों जो वर्ड होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, जब इन्हें हैंड रिटन किया जाता है तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में प्रिंट करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि इनकी ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से हुई है। पहला जो वर्ड होता है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। पांचवा रूल है कि ऑथर का जो नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है, यानी एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन द एब्रीविएटेड फॉर्म, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो लिन यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज को पहली बार लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। क्लियर? क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर। जैसे कि अगर हम मैमल की बात करें तो मैमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर पाए जाते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के आधार पर आप और कुत्ते को मैमल में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। कैरेक्टर के आधार पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में प्लेस करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब यहाँ पर चार प्रोसेस हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, और इन्हें टैक्सोनॉमी का बेसिक माना जाता है। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है, ह्यूमन बहुत पुराने समय से टैक्सोनॉमी करता रहा, और अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन थे वो ह्यूमन की जरूरत के आधार पे, यूजेस के आधार पे किए जाते थे, यानी जो बेसिक नीड होती थी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, इनके आधार पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन किए जाते थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक एक ऐसी ब्रांच है बेटा जहां पर हम ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में भी बात करते हैं, और साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप, डाइवर्सिटी और रिलेशनशिप दोनों के बारे में बात करते हैं। सिस्टमैटिक टर्म की ओरिजिन लैटिन वर्ड सिस्टमा से हुई है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लिनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी लिखी थी, और अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो बेटा 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं, और इन सभी कैटेगरीज को एक साथ मिला के हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। जैसे किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फाइलम या डिवीजन टर्म प्लांट के लिए और फाइलम टर्म एनिमल के लिए यूज करते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। इनको याद करने का तरीका होता है किंग, प्लेस, चेस, ऑन, फाइन, ग्रीन, सिल्क। किंग, प्लेस, चेस, ऑन, फाइन, ग्रीन, सिल्क, ये कोड हो जाएगा बेटा। तो इसके द्वारा आप इसको याद भी कर सकते हैं, और ये जितनी भी 7 कैटेगरीज हैं, इन 7 कैटेगरीज का जो अरेंजमेंट होता है इसी को टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से जाना जाता है। इसी अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो ये देखिए, ऑल कैटेगरीज टूगेदर फॉर्म द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और यहाँ पर जो हर एक कैटेगरी है उसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाता है, और ये जो कैटेगरी होती है एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है जिसे कॉमनली टैक्सॉन कहते हैं। प्लूरल फॉर्म में इसे टैक्सा का नाम दिया जाता है। चलिए अब देखिएगा, तो किंगडम से लेके स्पीसीज तक की अगर हम बात करते हैं तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाई गई है, और अगर हम सभी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल कैटेगरी में है उनमें स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है। स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आता है। अब हम स्पीसीज से शुरुआत करते हैं। स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो इंडिका है
ट्यूबरोशम है और लियो है। ये जो तीन नाम आपको बताए गए हैं ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मेंजीफेरा सोलेनम और जो पैंथेरा वर्ड है ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो सोलेनम के अंदर नाइग्रम और मिलोंजिना नाम की स्पीसीज आ जाती हैं। ह्यूमन बींग में अगर हम बात करें तो सेपियंस को जीनस होमो के अंदर प्लेस किया गया है और इन दोनों को मिला के हम होमो सेपियंस कहते हैं। जीनस की बात करें तो जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है, और जैसे जैसे हायरार्की में हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जेनरा आर द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जैसे पोटैटो और ब्रिंजल की बात करें, ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन दोनों एक ही जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। लायन, लेपर्ड और टाइगर की बात करें तो ये जो स्पीसीज हैं तीन अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये पैंथरा नाम के जीनस से बिलोंग करते हैं। कैट की अगर बात करें तो कैट का जीनस फेलिस होता है जो टाइगर के जीनस से अलग होता है। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है, और अब जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे। फैमिलीज को बनाने के लिए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर का यूज किया जाता है, जैसे अगर हम सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा की बात करें तो इनको फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। पैंथेरा जीनस को फेलिस जीनस के साथ फैमिली फेलिडी में प्लेस किया गया है। इसी तरह अगर हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग को एक अलग फैमिली में रखा गया। डॉग की जो फैमिली होती है वो कैनिडी होती है और जो कैट की फैमिली होती है वो फेलिडी होती है। कैट की फैमिली फेलिडी हो जाएगी यहाँ पर। अब ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज को प्लेस किया जाता है ना। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर बींग ए हायर कैटेगरी इज द ग्रुप ऑफ फैमिलीज। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम ऑर्डर और उससे हायर कैटेगरीज की बात करते हैं, ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हायरार्की में वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। देखिए सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर। अब देखिए प्लांट की फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों को पॉलीमोनियल नाम के ऑर्डर में रखा गया, किस आधार पे? फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। इसी तरह कार्निओरा नाम के ऑर्डर में फैमिली फेलिडी और कैनिडी को, यानी डॉग और कैट को एक ही फैमिली कॉर्नी, एक ही ऑर्डर कार्निओरा में रखा गया। अब आते हैं क्लास, क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर को रखा जाता है, यानी ऊपर वाली कैटेगरी में नीचे वाली कैटेगरी आ जाती है। जैसे प्राइमेटा ऑर्डर की बात करें जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, और ऑर्डर कॉर्निओरा की बात करें जिसमें टाइगर, कैट और डॉग होते हैं। इस ऑर्डर कॉर्निओरा और ऑर्डर प्राइमेटा, इन दोनों को क्लास मैमेलिया में प्लेस किया जाता है। क्लास मैमेलिया में और भी ऑर्डर होते हैं। अब बात करते हैं फाइलम के बारे में। फाइलम की अगर हम बात करें तो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सब क्या है? क्लास हैं अलग अलग, और इन सभी क्लास को एक ही फाइलम में रखा जाता है जिसे आप कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं, कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम की खास बात क्या होती है? नोटोकॉर्ड का पाया जाना और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम का पाया जाना। प्लांट के केस में जो फाइलम होता है इसकी जगह पर डिवीजन टर्म का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं किंगडम के बारे में। प्लांट और एनिमल दोनों के ही क्लासिफिकेशन में जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो किंगडम होती है। प्लांट में किंगडम प्लांटी और एनिमल में किंगडम एनिमेलिया आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमी में हायर लेवल की तरफ जाते हैं, देखिए अगर आपसे एग्जाम में कहा जाता है असेंडिंग, तो मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ आप जा रहे हो, डिसेंडिंग मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब असेंडिंग, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो कॉमन कैरेक्टर घटेंगे इस केस में, कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे, यानी जितना लोअर टैक्सा होगा उसके मेंबर में सिमिलैरिटी उतनी ही ज्यादा होंगी, है ना, उतनी सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी। जितनी हायर कैटेगरी होगी उसमें कॉमन कैरेक्टर उतने ही कम होंगे और क्लासिफिकेशन उतना ही कठिन हो जाएगा, यानी हायर लेवल पर क्लासिफिकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये आपको टेबल दी गई जो आपको अच्छी तरीके से याद करनी, जैसे मैन की बात करें तो इसकी फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। हाउसफ्लाई में इसका जो फैमिली म्यूसिडी है डिप्टेरा, ऑर्डर हो जाएगा इंसेक्टा, क्लास और आर्थ्रोपोडा, इसका फाइलम। मैंगो में एनाकार्डेसी फैमिली, सेपिंडेल ऑर्डर है, डाइकॉटिलेडोनी क्लास और एंजियोस्पर्मी डिवीजन है। वीट में इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। पोएसिस की फैमिली पोएल्स ऑर्डर है,
मोनोकोटिलेडोनिक क्लास और एंजियोस्पर्मी इसका डिवीजन है, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्लियर। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड, सबसे आखिरी टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं। टैक्सोनॉमिकल ऐड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एन इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज इसेंशियल एंड इट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल ऐड, टैक्सोनॉमिकल ऐड उन्हें कहा जाता है जो टैक्सोनॉमी करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, कीज, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, 9 टैक्सोनॉमिकल ऐड है। पहले हम हर्बेरियम की बात करते हैं। हर्बेरियम में कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है जो कि ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व होते हैं सीड के ऊपर। ये देखिए हर्बेरियम आपको फिगर भी दिखाया गया है। अब ये जो स्पेसिमेन होते हैं बेटा हर्बेरियम हाउस में, हर्बेरियम सीट के ऊपर हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, किसकी, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम पूछा जा चुका है। और हर्बेरिया जो होता है क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो यहाँ पर लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए कलेक्ट किया जाता है, और अगर हम यहाँ पर हर प्लांट की बात करें तो हर प्लांट को हम इंडिकेट करते हैं उसके बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली के साथ में। अगर हम फेमस बॉटनिकल, दुनिया के सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो ये इंग्लैंड में, जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ये लखनऊ में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर रॉयल बॉटनिकल गार्डन लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये क्यू लंदन इंग्लैंड में, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, और IBG इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में जो इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। अब बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। जो म्यूजियम होते हैं यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को स्टडी और रेफरेंस के लिए। बेटा एक मिनट रुको, देखें
चलो कहाँ पहुंचे थे, म्यूजियम पे ना। तो म्यूजियम में क्या करते हैं कि जो स्पेसिमेन होते हैं इनको कंटेनर या जार में रखा जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जैसे फॉर्मेलिन का यूज कर सकते हैं। ड्राई स्पेसिमेन भी यूज करते हैं, इंसेक्ट को कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग के बाद इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। लार्जर एनिमल जैसे बर्ड और मैमल को स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, और यहाँ पर एनिमल के स्केलेटन को भी प्रिजर्व करते हैं। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, और इनसे हमें समझने में मदद मिलती है फूड हैबिट और बिहेवियर को। अब इन्हें जू का नाम दिया जाता है, बस खत्म कहानी। ये चिड़ियाघर का पिक्चर दिखाया गया। की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ये याद करिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हर स्टेटमेंट को की में लीड कहा जाता है। अलग अलग टैक्सोनॉमी कीज बनाई जाती हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, और कीज का जो नेचर होता है दैट इज द एनालिटिकल, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ये भी टैक्सोनॉमिकल ऐड हैं और इनका काम भी होता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट होती है उनका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं मैनुअल के बारे में, तो मैनुअल हमें एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज के बारे में बताती हैं, स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ हमें एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैनुअल एक एरिया में पाए जाने वाली सभी प्लांट और एनिमल के बारे में, फ्लोरा एक एरिया में पाई जाने वाली केवल प्लांट स्पीसीज के बारे में, और मोनोग्राफ केवल एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो गया। चैप्टर वन आपका कंप्लीट हो गया। 20 मिनट लगा होगा, मुझे लगता है मुश्किल से 20 मिनट लगा होगा, है ना, क्योंकि 5:25 पे हमने शुरू ही किया था और 5:55 पे हमने पूरा किया है, तो 30 मिनट लगा। लेकिन 30 मिनट में 10 मिनट तो निकल ही गया होगा, है ना। तो यानी 30 मिनट लगा लेकिन एक्चुअल टाइम 20 मिनट ही लगा होगा। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2। क्या क्या चीजें यहाँ पर खास हैं देखिएगा। एरिस्टोटल सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को 3 कैटेगरी में, ट्री, श्रब और हर्ब में डिवाइड किया, और एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिनमें रेड ब्लड होता है और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है। लिनियस के द्वारा 2 किंगडम सिस्टम दिया गया, जहां पर 2 किंगडम बनाए गए, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम की अगर हम बात करें तो इस किंगडम के ड्रॉबैक थे कि यूकेरियोट और प्रोकेरियोट को अलग नहीं किया गया, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को अलग नहीं किया गया, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। और क्या खास बात है यहाँ पर। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लिनियस का सिस्टम था वो किस पे आधारित था, सेल वॉल पे आधारित था, सेल वॉल के आधार पे इसका यूज किया गया था। अब बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था 1969 में, और इन्होंने जो 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जो क्राइटेरिया इन्होंने लिए थे उसमें था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पहले यहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी लिखा था, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। कोड इसके लिए था RCPMT, मतलब रिप्रोडक्शन, सेलर ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब एनसीईआरटी ने चेंज करके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम के कुछ पॉइंट दिए गए जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर हम सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक, बाकी 4 किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलोजिक होती, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है, और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में होती है, कुछ में नहीं होती। फंजाई में काइटिन की होती, प्लांटी में सेलुलोज की, और एनिमेलिया में नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में केवल एब्सेंट होगी, बाकी सभी किंगडम में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर होगा, फंजाई में मल्टी सेलर लूज टिश्यू होगा, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन, और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक सिस्टम और जोड़ा गया, थ्री डोमेन सिस्टम, जो कि कार्लोस के द्वारा दिया गया था। और इस थ्री डोमेन सिस्टम में जो किंगडम मोनेरा, इसको दो डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, और बाकी जो बचे हुए चार यूकेरियोटिक किंगडम थे इसको तीसरे डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, और इस तरीके से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का फॉर्मेशन हुआ। सिक्स किंगडम की ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अगर हम लिनियस के सिस्टम की बात करें तो लिनियस के सिस्टम में अगर प्लांटी की बात की जाए, प्लांट के बारे में, तो प्लांट में लिनियस के सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फन, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, ये सभी आते थे, क्योंकि इन सभी में सेल वॉल पाई जाती थी। सेल वॉल के आधार पर इन्होंने प्लांटी किंगडम बनाया था। जिनमें सेल वॉल थी उनको प्लांटी में रखा था लिनियस ने, और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमेलिया में रखा था। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो विटेकर के सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको रख दिया गया कहां पर, किंगडम मोनेरा के अंदर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जो कि पहले एल्गी में थे प्लांटी किंगडम के अंदर और दोनों में सेल वॉल होती है, और पैरामीशियम अमीबा, जो पहले एनिमल किंगडम में थे और दोनों में सेल वॉल नहीं होती है, इनको एक साथ रखा गया। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं विटेकर के सिस्टम में। अब अगर आप यहां पर देखें तो जो ऑर्गेनिज्म पहले अलग अलग किंगडम में थे वो अब एक साथ आ गए, पुट टूगेदर, जो अलग अलग किंगडम में थे वो एक साथ आ गए। और कह रहे कि ये जो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हो गया, और ऐसे चेंज फ्यूचर में भी होंगे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती चली जाएगी। तो अब इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। किसके आधार पे, विटेकर सिस्टम के आधार पे, क्योंकि एनसीईआरटी में विटेकर के सिस्टम को ही फॉलो किया गया और बाकी प्लांटी और एनिमेलिया के लिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बना दिए गए। तो किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया को शेप के आधार पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। स्फेरिकल मतलब कोकस है ना, बैसिलस मतलब रॉड शेप, विब्रियम मतलब कॉमा शेप, और स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल हो जाते हैं। फिगर भी दिखाई, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरिलम और विब्रियो। अब देखिए बैसिलाई में स्पोर भी आपको दिखाई गया और इन स्पोर को एंडोस्पोर का नाम दिया जाता है। ये बात भी चाहे तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। और स्पाइरिला में आपको फ्लैजिलम भी दिखाई गए यहाँ पर, है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया में। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये कई बार पूछा गया, मोनेरा में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी जितनी तरह के न्यूट्रिशन यहाँ पर पाए जाते हैं उतनी कहीं भी नहीं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिक पर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं क्योंकि ये उन हैबिटाट में रह सकते हैं जहां पर दूसरी लाइफ नहीं पाई जाती जनरली, जैसे सॉल्टी एरिया हेलोफाइल, हॉट स्प्रिंग में थर्मोसिटोफाइल और मार्शी एरिया में मिथेनोजन पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल वॉल पाई जाती है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। लेकिन नीट में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन दिया गया, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। और ये फीचर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशन या हार्ड हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजन गट ऑफ सेवरल रेमिनेंट एनिमल में पाए थे, जैसे काउ और बुफेलो में, ये भी हर साल पूछा जाता है। और ये बायोगैस या मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं इन एनिमल के डंग से। अब बात करते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है और अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। अब जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात करें, जिसे ब्लूग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है ग्रीन प्लांट की तरह। ग्रीन प्लांट क्या है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ग्रीन प्लांट है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं,
साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या मैरीन हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इनकी कॉलोनीज के ऊपर जिलेटिनस शीथ पाई जाती है, जैसे यहाँ पर दिखाई गई म्यूसिलेजिनस शीथ या जिलेटिनस शीथ आप कह सकते हैं। और ये ब्लूम बनाते हैं, पोल्यूटेड वाटर बॉडी, बहुत खास है। ब्लूम कौन बनाता? साइनोबैक्टीरिया ब्लूम बनाता। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इनके पास स्पेशल सेल होती है जिन्हें हेट्रोसिस कहते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना में हेट्रोसिस्ट होते हैं, और हेट्रोसिस के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिससे नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब नाइट्रोजन का अमोनिया में जो कन्वर्जन होता है, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड को, और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में। किसकी रिसाइकलिंग? याद करेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन की रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो आपको बताया गया सबसे अबंडेंट नेचर में पाए जाते हैं, और इनमें जो ज्यादातर होते हैं डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हेटरोट्रॉफिक जो दूध को दही में चेंज करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, वो भी हेटरोट्रॉफिक नेचर का हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, यानी वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस और सिट्रस कैंकर। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया मेनली फिशन के द्वारा प्रोड्यूस करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं, जैसे एंडोस्पोर का नाम मैंने बताया, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का तरीका पाया जाता है डीएनए ट्रांसफर के द्वारा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, जैसे कॉन्जुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसे यू बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है हमारी अर्थ की जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, और कई सारे ऐसे प्लाज्मा है जो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए। ये आपको एक बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाया गया डिवाइड करता हुआ, इसका डीएनए दिखाया गया, सेल वॉल दिखाई गई और सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिखाई गई। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा, स्पीड ठीक है बेटा? और फास्ट करें। अच्छा, और फांसी है तुमने वो। अच्छा, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। लेकिन यहां पर देखिए, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी में। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन को प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रोटिस्टा के मेंबर मेनली एक्वेटिक होते हैं, और ये किंगडम लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई किंगडम के साथ में। अब चूंकि यूकैरियोटिक होते हैं इसलिए इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कुछ में फ्लैजिला, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट। इसमें डायटम और डेस्मिट को इंक्लूड करते हैं। डेस्मिट को गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह के एनवायरमेंट में पाया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली फ्लॉट करते हैं वाटर करंट में, इसलिए इनको प्लैंकटन कहा जाता है। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, और डायटम की जो सेल वॉल होती है ये सो बॉक्स की तरह होती है। सेल वॉल के अंदर सिलिका पाया जाता है, इसलिए इनकी वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। बिलियन ऑफ ईयर के बाद इनकी जो सेल वॉल का डिपोजिशन होता है उसे डायटोमेसिस अर्थ कहते हैं, और ग्रिटी होने की वजह से पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में इनका यूज किया जाता है। एंड डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ये लेटेस्ट आपसे नीट में पूछा जा चुका है। डायनोफ्लैजेलेट की बात करते हैं। डायनोफ्लैजेलेट ज्यादातर मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं।
अब इनकी जो सेल वॉल होती है उनके ऊपर स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती है। खास बात है, नाम से बता ला कि इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। और रेड डायनोफ्लैजिला जैसे गोनियोलैक्स की बात करें, ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है जिससे जो सी होता है वो लाल हो जाता है, जिसे रेड टाइड कहते हैं। और इनके द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज किया जाता है वो मैरीन एनिमल को या फिशेस को किल कर देता है। रेड टाइड यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में भी स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पर पानी रुका रहता है वहां पर पाए जाते हैं। इनमें सेलवाल नहीं पाई जाती, उसकी जगह पर प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकिल कहा जाता है, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन जब सनलाइट नहीं मिलती है तो ये हेटरोट्रॉप हो जाते हैं। सनलाइट ना मिलने पर हेटरोट्रॉप हो जाते हैं और शिकार करना शुरू करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का। और इनके जो पिगमेंट होते हैं यूग्लिनॉइड के, ये हायर प्लांट की तरह होते हैं, जैसे यूग्लिना की अगर हम बात करें। कुछ नए फिगर भी ऐड किए गए, जैसे ए फिगर डायनोफ्लैजिलेट का, जो नया फिगर एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। बी फिगर यूग्लिना का आप देख सकते हैं, दो फ्लैजिला एक बड़ा और एक छोटा आपको दिखाया गया है। सी फिगर स्लाइम मोल्ड का एनसीईआरटी में ऐड किया गया, और डी पैरामीशियम का फिगर है जो पहले से एनसीईआरटी में था। तो बी और डी फिगर पहले से था, लेकिन बी फिगर में ये छोटा वाला फ्लैजिला दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको अब सही करके एनसीईआरटी ने दिया है और ये दो फिगर यहाँ पर ऐड किए हैं। स्लाइम मोल्ड की बात करें तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, अंडर सुटेबल यानी फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर होते हैं। स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है और ये स्पोर कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। एडवर्स कंडीशन में स्पोर का डिस्पर्शल होता है एयर करेंट के द्वारा। प्रोटोजोन की बात करें तो सभी प्रोटोजोन हेटरोट्रॉफ होते हैं, जो प्रीडेटर या पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें चार ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट एंड स्पोरोजोन। अमीबॉइड की अगर हम बात करें तो इनमें स्यूडोपोडिया या फॉल्सपिड पाए जाते हैं, जैसे अमीबा की बात करें। मैरीन फॉर्म में सिलिका सेल पाए जाते हैं, याद ध्यान रखेंगे। और एंट अमीबा पैरासिटिक फॉर्म में होती है, एंट अमीबा पैरासाइट होते हैं, अमीबा फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और इनमें जैसे ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें तो इस सिलिया के द्वारा मूव करते हैं बेटा, इनमें कैविटी गलेट पाई जाती है। और इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। स्पोरोजोवा की बात करें तो स्पोरोजोवा में स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है, जिसे आप स्पोरोजोइट के नाम से जानते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें, जो कि मलेरियल पैरासाइट है और ये मलेरिया नाम की डिजीज कॉज करता है। किंगडम फंजाई की बात करते हैं, किंगडम फंजाई के सभी मेंबर हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। अब देखिए कुछ फंजाई यूनिसेलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट की अगर हम बात करें, और ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड और बियर को बनाने के लिए। क्लियर। कुछ से हमें एंटीबायोटिक मिलती है, जैसे पेनिसिलियम की बात करें तो ये एंटीबायोटिक का सोर्स होता है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, एयर वाटर सॉयल एनिमल प्लांट हर जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, और ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करते हैं, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करते हैं। ईस्ट के एक्सेप्शन को छोड़कर, ईस्ट यूनिसेलर इसको छोड़कर, बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिन्हें हाइफी कहते हैं, और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यूस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिन्हें सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं, और बाकी में सेप्टेट या क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो केवल अगर हम फाइकोमाइसिट की बात करें, उनमें सिनोसिटिक हाइफी पाए जाते हैं और बाकी सभी में सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। अब फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, पैरासिटिक वो होते हैं जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं, और सिम्बायोंट वो होते हैं जो दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे कुछ फंजाई एल्गी के साथ लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, और कुछ फंजाई हायर प्लांट की रूट के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन का फॉर्मेशन करते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन के तीन तरीके होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में तीन तरीके, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या जोस्पोर आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। याद करने का तरीका एबीओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या ओस्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है,
सेक्सुअल साइकिल में तीन स्टेप होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। ये तीनों स्टेप आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब यहां पर एक डाइकैरियोफेज पाई जाती है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। डाइकैरियोफेज की अगर हम बात करें तो डाइकैरियोफेज एस्कोमाइसेट और बेसिडियोमाइसेट में प्रेजेंट होती, जहां पर एन प्लस एन यानी एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे इस किंगडम को चार क्लास में डिवाइड किया गया। फाइकोमाइसेट, एस्कोमाइसेट, बेसिडियोमाइसेट और ड्यूटेरोमाइसेट में डिवाइड किया गया है। अब फाइकोमाइसेट के मेंबर एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, डिकेइंग वुड के ऊपर पाए जाते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में ये पाए जाते हैं प्लांट के ऊपर। माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक है केवल इसी क्लास में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो स्पोर के द्वारा या एप्लेनोस्पोर से होता है, जो स्पोर मोटाइल और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं और इनका फॉर्मेशन एंडोजिनसली होता है स्पोरेंजियम के अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस, एनआइसोगैमस या ऊगैमस टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर, राइजोपा जिसे ब्रेड मॉल्ड कहते हैं और एल्ब्यूगो जो कि है पैरासिटिक फंजाइन मस्टर्ड। एग्जाम्पल याद करने का तरीका है राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, तीन ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए और यही तीन जनरली पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर पहले फिगर में आपको म्यूकर दिखाया भी गया, दैट इज द म्यूकर। अब आते हैं दूसरे क्लास पे, दैट इज द एस्कोमाइसिट। इन्हें कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। फाइकोमाइसिट को कॉमनली एल्गल फंजाई के नाम से जाना जाता है, एस्कोमाइसिट को सैक फंजाई कहते हैं और ये ज्यादातर मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन ईस्ट यूनिसेलर जिसे सैक्रोमाइसिस कहा जाता है। ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, डीकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक या कॉप्रोफिलस हो सकते हैं जो डंग पे ग्रो करते हैं। माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है और ये एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट और ड्यूटेरोमाइसिट तीनों के लिए सही होगा। अब सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो ए सेक्सुअल स्पोर यहाँ पर कोनिडिया होते हैं जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। सेक्सुअल स्पोर एस्को स्पोर होते हैं जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं एस्कस के अंदर और ये एस्कस अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प के अंदर। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा और पेनिसिलियम हो गया, ईस्ट हो गया, सब इसी के एग्जाम्पल हैं। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है। मॉरेल और ट्रिफल एडिबल होते हैं और ये काफी डेलिसियस होते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने एग्जाम्पल हो गए, 7 एग्जाम्पल हो गए, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल, ट्रिफल, पेनिसिलियम और ये 7 मेंबर हैं जो आपको ध्यान रखने। बैसिडियोमाइसिट की बात करें तो इन्हें कॉमनली बैसिडियोमाइसिट को ब्रैकेट फंजाई या पफबॉल के नाम से जाना जाता है ना, वैसे इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं क्लब फंजाई, इनको क्लब फंजाई कहा जाता है बैसिडियोमाइसिट के ऊपर। अब अगर हम माइसिलियम की बात करें तो माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ए सेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। अब यहां पर आप जानते हैं कि डाइकैरियोटिक फेज तो पाई ही जाती है और डाइकैरियोटिक फेज से अल्टीमेटली बेसिडियम बनता है और कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियम में होती है जिससे 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर और ये जो बेसिडिया होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। 3 एग्जाम्पल अगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगो स्मट और पक्सिनिया रस्ट, ये 3 एग्जाम्पल आप जरूर याद रखेंगे यहाँ पर। अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसिट, इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पाई जाती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चलता है इन फंजाई में तो इनको उस क्लास में भेज दिया जाता है जहां से राइटली बिलोंग करते हैं। जनरली ये मूव करते हैं एस्कोमाइसिट में या फिर बेसिडियोमाइसिट में। अब अगर हम ड्यूटेरोमाइसिट की बात करते हैं तो ड्यूटेरोमाइसिट केवल एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया के द्वारा। माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, कुछ मेंबर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं लेकिन ज्यादातर मेंबर डिकम्पोजर होते हैं, लिटर और मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। ये लाइन आपके नीट में पूछी जा चुकी है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, कैट से आप याद करते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम वही है जिससे साइक्लोस्पोरिन को ऑब्टेन किया जाता है। अब आते हैं किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में यहाँ पर खास बात क्या है, देख किंगडम प्लांटी के जो मेंबर होते हैं बेटा उनमें ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं लेकिन कुछ मेंबर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट और पैरासिटिक प्लांट। ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाइट्रैप इंसेक्टिवरस होते हैं और कसकुटा एक पैरासिटिक प्लांट होता है बेटा, है ना।
प्लांटी में इंक्लूड किया था एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोरेंजियो को, जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर फूड के लिए, है ना, और इनके अंदर फूड रिजर्व होता है ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं, यानी खाने को निगलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हायर जो एनिमल होते हैं उनमें इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर एंड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। ज्यादातर एनिमल लोकोमोशन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कपुलेशन के द्वारा होता है और इनमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ये पॉइंट सबसे खास है, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन, आपकी पुरानी किताबों की जो प्रियॉन नहीं लिखा होगा, ये प्रियॉन पिछले साल एनसीईआरटी में ऐड किया गया है और विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम में इनको कहीं भी प्लेस नहीं दिया था। लाइकेन को और एस सेलर ऑर्गेनिम जैसे वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन को कहीं भी जगह नहीं दी थी, लेकिन इनके बारे में आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। नेम वायरस दिया का मतलब होता वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, और ये इवानोवस्की ने दिया था। पहले एनसीईआरटी में लिखा था कि ये टर्म फ्लेमिंग ने दिया था, लेकिन अब इसको इवानोवस्की कर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं बीजरिंग के बारे में, तो बीजरिंग ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड कहा था। स्टेनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया था और ये भी बताया कि क्रिस्टल मेनली प्रोटीन के बने होते हैं और ये इनर्ट होते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर, और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी होस्ट के बाहर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अब वायरस की अगर हम बात करें बेटा, तो प्रोटीन के अलावा वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि या तो आरएनए या डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में डीएनए आरएनए दोनों नहीं पाए जाते, यानी वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल, सामान्य तौर, कोई रूल नहीं है, इन जनरल वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है जनरली एनिमल वायरस में। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेजेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जनरली पाया जाता है। जो प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहा जाता है, जो छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है, और ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, यानी डीएनए या आरएनए को। कैप्सोमियर का अरेंजमेंट हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। वायरस से कई तरह की बीमारियां होती है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब बीमारियां ये वायरस के द्वारा ही कॉज की जाती है। प्लांट में वायरस से होने वाली बीमारियों में कुछ सिम्टम आते हैं जैसे मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग या कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। वायरॉइड की बात करें, 1971 में टियो डाइनर के द्वारा वायरॉइड की डिस्कवरी की गई। ये वायरस से छोटे होते हैं और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, और ये केवल फ्री आरएनए होते हैं, इनमें प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड नहीं पाया जाता है जो कि वायरस में पाया जाता है। और इनका जो आरएनए होता है उसका मॉलिकुलर वेट वायरस के आरएनए से कम होता है। प्रियॉन्स की अगर हम बात करें, ये नया टॉपिक एनसीईआरटी ने ऐड किया है, प्रियॉन की अगर हम बात करें तो कई सारी इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के द्वारा कॉज की जाती, जिन्हें प्रियॉन्स कहा जाता है। और इनका देखिए, द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। प्रियॉन केवल प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, और इनके द्वारा होने वाली बीमारी जैसे बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE कॉमनली मैड काउ डिजीज कहा जाता है, कैटल में होती है, और क्रेचफेल्ड जैकब डिजीज CJD जो कि ह्यूमन में होती है, और एक और याद कर लीजिएगा स्कार्पी डिजीज भी प्रियॉन से होती है जो कि सीप होती है, और एक और होती है कुरु डिजीज जिसे लॉफिंग डेथ कहते हैं। लॉफिंग डेथ मतलब पर्सन इसमें हंसते हंसते मर जाता है, लॉफिंग डेथ कहा जाता है। कुरु डिजीज ये भी प्रियॉन से कॉज किया थी, हंसते हंसते लग जाए रस्ते। चलो तो लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन एक सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी के वाले कंपोनेंट को फाइकोबायोन कहते हैं और फंजाई वाले कंपोनेंट को माइकोबायोन का नाम दिया जाता है। जो फाइकोबायोन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है और माइकोबायोन हेटरोट्रॉफिक होता है। एल्गी फंजाई के लिए खाना बनाता है और फंजाई एल्गी को शेल्टर देता है, मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और वाटर प्रोवाइड करता है अपने पार्टनर को। अब यहाँ पर जो लाइकेन होते हैं ये पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं, ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई एरिस्टोटल।
ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कितना टाइम लगा जल्दी से मुझे बताओ। कितना टाइम लगा? 5:00 कितने पे शुरू किया था? 5:57 पे है ना, और 6:23 पे हमने पूरा कर लिया। तो 4 3 3 6 26 लगा हमें, है ना। 26 या 25 लगा होगा। तो 25 में बड़ा चैप्टर आप रिवाइज कर ले रहे हैं ना, 25। तो अब शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। अब तो बहुत आसान है बेटा, मेन टॉपिक तो था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। अब तो बहुत आसान टॉपिक है, लाइक वाइक भी करते रहो। हाँ, सबसे बड़े घुबरेले लोग अपना काम करके निकल लिए, जाके कहीं छींछी खोद रहे होंगे। चलो, अरे 5 तो हो ही गया बेटा, 5 तो हो ही गया। चलो प्लांट किंगडम शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पर देखिए जो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते जरूर हैं, लेकिन ये एल्गी है नहीं, ये पहली बात ध्यान रखनी। दूसरी बात, इस चैप्टर में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ को हमें पढ़ना है। अब उसके पहले हम कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, और ये वेजिटेटिव कैरेक्टर पर बेस्ड होता है, जैसे कि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के आधार पे लिनियस ने सिस्टम दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, और ये एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आसानी से एनवायरनमेंट के द्वारा अफेक्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर, और यहाँ पर केवल एक्सटर्नल फीचर को ध्यान में नहीं रखा जाता, बाकी इंटरनल फीचर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट का नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित होता है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये मानता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है। अब अगर हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है, तो फिर हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ये ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर आधारित है। साइटो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, एंड कीमो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। अब आते हैं एल्गी, पहला प्लांट ग्रुप एल्गी।
एल्गी की अगर हम बात करें तो बेटा एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग है, सभी प्लांट में क्लोरोफिल होता है, सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड मतलब रूट स्टेम लीफ नहीं होती, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर मैरीन दोनों जगह पर पाए जाते हैं, ये मॉइस्ट स्टोन सॉयल वुड हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं तो इन्हें लाइकेन का नाम दिया जाता है। और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो एनिमल के ऊपर पाए थे, स्लॉथ बियर, आप दुनिया में सबसे सुस्त नहीं है, सबसे सुस्त जानवर स्लॉथ बियर, इतना सुस्त है कि एल्गी प्लांट इसके ऊपर ग्रो कर गया, इतने सुस्त आप तो नहीं हो, आपके ऊपर फंजाई ग्रो कर सकता है लेकिन आपके ऊपर कोई एल्गी ग्रो नहीं कर सकता है ना, फंजाई से दांत खाज खुजली आपको होगी तो इसका मतलब आपके ऊपर फंजाई ग्रो कर गया, लेकिन स्लॉथ बियर इतना सुस्त एनिमल है कि उसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाता है। अब अगर हम कॉलोनियल एल्गी की बात करें तो कॉलोनियल एल्गी वॉलवॉक्स हो जाएगा, फिलामेंटस एल्गी की बात करें तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा हो जाएगा, है ना, और कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, जैसे केल्प मैसिव बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब एल्गी में रिप्रोडक्शन तीन तरह का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन जूस्पोर होता है, है ना, जो स्पोर मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन तरह का है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ओगैमस, और इसमें काफी चेंज एनसीईआरटी के स्टॉपिंग में ध्यान दीजिएगा। अगर गैमीट फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज में है यूलोथ्रिक्स में तो इसे आइसोगैमस कहते हैं, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल लेकिन सिमिलर साइज में तो तभी से आइसोगैमस कहेंगे स्पायरोगायरा में। लेकिन अगर दो गैमीट जो डिसिमिलर साइज में है, जैसे यूडोराइना, पहले यहाँ क्लेमाइडोमोनास था, तो इसे एनाइसोगैमस कहेंगे। अगर एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट में फ्यूजन हो रहा तो इसे ओगैमस कहेंगे, जैसे वॉलवॉक्स और फ्यूकस की बात करें। ये देखो फिगर में, ये वॉलवॉक्स का फिगर दिया गया जहां पर डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी आपको दिखाई गई, और ये फिगर यहाँ पर यूलोथ्रिक्स का एनसीईआरटी ने ऐड किया जो कि पहले एनसीईआरटी में नहीं था, ठीक है। ये बाकी ब्राउन एल्गी और ये रेड एल्गी आपको दिए गए हैं, है ना। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस और ये डिप्टियोटा आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको ये पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया दिया गया है। तो रेड एल्गी हो गए, ब्राउन एल्गी हो गए, और ये ग्रीन एल्गी आपको दिखाई गई। ग्रीन एल्गी में पहले क्लेमाइडोमोनास का फिगर था जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है। अब एल्गी के अगर हम यूज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, करीब 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस होती है वो एल्गी के द्वारा की जाती है। फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल पानी में इंक्रीज कर देते हैं। दीज आर द बेसिक ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सॉर्गेसम की कई जातियां जिन्हें खाने के तौर पर यूज करते हैं, और ये उन 70 जातियों में से मैरीन एल्गी की ऐसी हैं जिन्हें खाने के तौर पर यूज करते हैं, यानी 70 स्पीसीज मैरीन एल्गी की खाने के तौर पर यूज करते हैं, और इन 70 स्पीसीज में से कुछ जातियां पोरफायरा, लेमिनेरिया और सॉर्गेसम की भी आती हैं। अब कुछ ब्राउन और रेड एल्गी ऐसे होते हैं जो हाइड्रोक्लोराइड को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे एल्जिन और कैराजिन। एल्जिन ब्राउन एल्गी से और कैराजिन रेड एल्गी से मिलता है। अगार हमें जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के रेड एल्गी से मिलता है, और इसका यूज माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए और आइसक्रीम और जेली को बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरेला, पहले क्लोरेला के साथ स्पायरुलिना भी लिखा था एनसीईआरटी लेकिन अब हटा दिया है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि प्रोटीन में रिच होता है, और इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पर स्पेस ट्रेवलर यानी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा यूज किया जाता है। एल्गी को तीन मेन क्लास में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। में पहले क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी का नाम दिया जाता है जो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज पाई जाती है जिन्हें पायरेनॉइड कहा जाता है। पायरेनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। पायरेनॉइड में प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी यहाँ पर जो स्टार्च होता है वो बाहर होता है और प्रोटीन स्टार्च सराउंडेड बाय द प्रोटीन, है ना। स्टार्च को प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, तो प्रोटीन सराउंडेड बाय द स्टार्च, है ना, प्रोटीन सराउंडेड बाय द स्टार्च, क्लियर है ना बेटा। प्रोटीन अंदर होगा और जो स्टार्च है बाहर होगा। एनसीईआरटी लिखा कि पायरेनॉइड कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड स्टोर करते हैं।
ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसमें इनर लेयर सेलुलोज की और आउटर लेयर पेक्टोज की पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस तीनों तरह का हो सकता है। कॉमन एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूरोथ्रिक्स स्पायरोगायरा और कारा होजन। क्लियर? अब आते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी के मेंबर को ब्राउन एल्गी कहते हैं और ये मेनली पाए जाते हैं कहां पर? मैरीन हैबिटेट में। अब इनमें सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिलामेंटस एक्टोकार्पस, आप यूलोथ्रिस स्पायरोगायरा याद रखते हैं लेकिन एक्टोकार्पस भूल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं केल्प के बारे में तो केल्प 100 मीटर हाइट तक ग्रो कर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। जेंथोफिल के अमाउंट की वजह से इनका जो जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका जो कलर है वो वेरिएबल होता है। फूड का जो स्टोरेज होता है वो लेमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में किया जाता है। और इनकी जो वेजिटेटिव सेल होती है उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो कवर होती बाहर से जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन के द्वारा। अब इनकी जो बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फास्ट के द्वारा। इनमें एक स्टॉक होता है जिसे स्टाइप कहते हैं और इनमें लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ट पाया जाता है। अगर फिगर में आपको दिखाऊं तो वहां पर तीनों चीजें आपको नजर आएंगी। ये देखिए होल्ड फास्ट भी दिखाई दे रहा है ना, होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रॉन्ट तीनों लेमिनेरिया में आपको आसानी से नजर आ रहे हैं। अच्छा फ्यूकस में आप देखेंगे तो यहाँ पर एयर ब्लैडर भी पाया जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है जो आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। और यहाँ पर जो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर पियर शेप के होते हैं और इनमें टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एनाइसोगैमस और ओगैमस में से कोई भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैमीट के बारे में तो पायरी फॉर्म होते हैं और इनमें भी दो लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया लेमिनेरिया सॉर्गेसम और फ्यूकस यहाँ पर आ जाएंगे। अब रोडोफाइसी की बात करें, इन्हें कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट आर फाइकोरेथ्रिन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ज्यादातर जो रेड एल्गी होते हैं ये मैरीन होते हैं और वार्मर एरियाज में गर्म पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये सबसे जो गहरा पानी होता है उनमें पाए जाने वाले एल्गी होते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था इकोलॉजी में, है ना। चलिए अब देखिएगा इनमें जो फूड का स्टोरेज होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। सिमिलर होता मतलब ब्रांचिंग पाई जाती है। अब यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमीट से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, वैसे एनसीईआरटी को लिखना चाहिए था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली ओगैमस क्योंकि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में आइसोगैमस एनआइसोगैमस ओगैमस तीनों है लेकिन जो रेड एल्गी है इनमें केवल और केवल ओगैमस रिप्रोडक्शन होता है। और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा ग्रेसलेरिया चिलिडियम G2P2 इसका कोड हो जाएगा और इससे आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब ये जो टेबल दी गई ये बहुत खास है, इस टेबल में सारी बातें एकदम क्लियर है। क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी मेजर पिगमेंट, देखो तीनों में आप ऐसे करना कि क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी तीनों में ए लिख लो पहले और ए लिखने के बाद बी सी और डी सीक्वेंस में लिखते चले जाओ। ए तीनों में लिख लिया फिर बी सी डी लिख लिया और ये इनके पिगमेंट का आपको पता चल गया। क्लियर? स्टोर फूड देखिए स्टार्च, यहाँ पर लेमिनेरिन और मैनिटॉल, यहाँ पर फ्लोरिडिन स्टार्च। सेल वॉल, यहाँ पर सेलुलोज होता है और पेक्टोज की कवरिंग होती है, यहाँ पर सेलुलोज और एलिजिन होता है। और यहाँ पर खास बात है सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ये एनसीईआरटी ने मेन चैप्टर में नहीं लिखा केवल टेबल में लिखा है। अच्छा फ्लैजिला देख लो जरा, 2 से 8 फ्लैजिला ग्रीन एल्गी में इक्वल और एपिकल होते हैं, ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला अनइक्वल और लेटरल होते हैं और रोडोफाइसी में फ्लैजिला पाई ही नहीं जाती, बहुत खास बात है। अब आते हैं ब्रायोफाइट की बात करते हैं। ब्रायोफाइट में मॉसेस और लिवरवर्ट को शामिल किया जाता है और ये जनरली मॉइस्ट शेडेड एरियाज में हिल्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, खूब पूछा जाता है आपसे क्योंकि ये रहते तो मिट्टी में है लेकिन ये वाटर पर डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में बेयर रॉक के ऊपर। और सक्सेशन आप पढ़ चुके हैं ना,
प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की एल्गी से ज्यादा डिफ्रेंसिएटेड होती है, ये भी थैलस लाइक होते हैं, है ना, मतलब इनमें भी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं और ये सबस्टेटम से अटैच होते हैं यूनिसेलर या मल्टीसेलर राइजॉइड के द्वारा। इनमें ट्रू रूट स्टेम या लीफ नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे राइजॉइड आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर। मेन बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉयड है, ये गैमिट बनाती है, इसलिए इसे गैमिटोफाइट कहते हैं, मेन बॉडी गैमिटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में मल्टी सेलर होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजाइट यानी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप के जो सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। एंथ्रोजॉइट को पानी में रिलीज कर दिया जाता है जहां पर वो आर्चिगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं और एक एंथ्रोजॉइट एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिविजन नहीं होता है। ये मल्टी सेलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसे जो स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, खास बात है, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, बल्कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है और इससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। स्पोरोफाइट की कुछ सेल रिडक्शन डिवीजन करती है। कौन सी सेल है बेटा? ये कैप्सूल में पाई जाने वाली स्पोर मदर सेल है और इनमें रिडक्शन डिवीजन होने से हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बनाता है जो कि मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है। अच्छा, तो आगे बढ़े। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है। जैसे कुछ मॉस फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेसियस मैमल को, बर्ड को और दूसरे एनिमल को। स्फेग्नम जो कि एक मॉस है, ये पीट प्रोवाइड करता है और इसका यूज फ्यूल के तौर पर और पैकिंग मटीरियल के तौर पर किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में तो बहुत ज्यादा, ग्रेट इकोलॉजिकल, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे मॉसेस की बात करें तो ये लाइकेन के साथ मिलकर पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक पे कॉलोनाइजेशन करते हैं, साथ ही ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को और जो सॉयल बनती है उस सॉयल को हर प्लांट के लिए सुटेबल बनाते हैं। मॉसेस डेंस मैट बनाते हैं सॉयल के ऊपर और इसकी वजह से जो रेन का इंपैक्ट होता है वो कम हो जाता है और ये सॉयल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट और मॉसेस में डिवाइड किया गया। पहले लिवरवर्ट की बात कर लेते हैं। लिवरवर्ट मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में ग्रो करते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम। बैंक मतलब यानी कि बैंक जहाँ पे आप खाता खुलवाते हैं, बैंक का मतलब किनारा है ना, नदी के किनारे पाए जाते हैं। यानी बैंक में पहुंच गया कि सर लिवरवर्ट कहाँ है, वहां जाके पूछने लगे लिवरवर्ट लेना है, तुरंत जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। प्लांट बॉडी लिवरवर्ट की थैलॉयड होती है, जैसे मार्केशिया एक लिवरवर्ट है। इनका थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है और लीफी जो मेंबर होते हैं उनमें बहुत छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो दो रो में पाए जाते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर जेमी के द्वारा होता है, जिन्हें सिंगुलर फॉर्म में जेमा कहा जाता है। जेमी ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं जो कि जेमा कप के अंदर डेवलप होते हैं और ये जब जेमी डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम या डिफरेंट थैलस पे बनते हैं, जैसे मार्केशिया में डिफरेंट थैलस पे बनते हैं और जो स्पोरोफाइट होता है फूड सीट और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। मियोसिस के बाद जो स्पोर होते हैं कैप्सूल के अंदर बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। फिगर तो कई बार ये पूछा गया मार्केशिया का, मैंने बताया था ना, ये देखो आर्चिगोनियोफोर, फिगर में कोई अंतर नहीं, केवल आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर में अंतर है। ये फीमेल थैलस और मेल थैलस है, देखो कितनी फुर्सत में बनाया इसको, इसको फीमेल थैलस में आर्चिगोनियोफोर को कितनी फुर्सत में बनाया, और ये देखो इसमें केवल ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, लो एंथ्रीडियोफोर बन गया। इसको कितनी फुर्सत से बनाया होगा, है ना, ये देखो कि वाह, ये देखो कितनी फुर्सत से इसको बनाया आर्चिगोनियोफोर को और N3DO4 को, बस ये देखो बन गया, लो ले जाओ मतलब कोई इज्जत ही नहीं मेल की, देखो कोई इज्जत नहीं।
फीमेल को कितनी इज्जत से नवाजा गया, इसमें कोई इज्जत ही नहीं, मतलब बस ऐसे बना दिए, लो ले जाओ। हाँ तो मतलब ये पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये तो लिवरवर्ट की बात हो गई है ना। अब ये मॉसेस आपको दिखाए गए हैं, मॉसेस में ये जो फिगर आपको दिखाया गया है फ्यूनेरिया का फिगर आपको दिखाया गया है, और ये जो फिगर है स्फेग्नम का फिगर आपको दिखाया गया है। फिगर भी आने चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। अब देखो फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट है ना, जिसमें सीटा कैप्सूल दिखाएगा, फूट इसके अंदर होता है। गैमेटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाए गए, राइजॉइड दिखाए गए। यहाँ पर देखो आर्चिगोनियल ब्रांच और एंथ्रीडियल ब्रांचेस दिखाई गई, जो आपको पहचान मानी चाहिए कि ऊपर की तरफ एंथ्रीडियल ब्रांच और नीचे की तरफ आर्चिगोनियल ब्रांच होती है ना। तो बस याद करें, मैंने भी ऐसे याद किया था, तुम लोग भी ऐसे याद कर लेना। चलिए मॉसेस की बात करें। मॉसेस की अगर हम बात करें तो इनमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है बेटा गैमेटोफाइट, उसको दो फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज को प्रोटोनिमा कहते हैं, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस होती है। सेकेंड लीफी स्टेज होती है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल पडिंग के द्वारा डेवलप होती है। इसमें अपराइट सिलेंडर एक्सिस होती है, जिसमें स्पाइरली अरेंज लीफ पाई जाती है, और इनमें मल्टी सेलर और ब्रांच राइजॉइड पाए जाते हैं। और यही स्टेज लीफी स्टेज वो स्टेज है जिसपे सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और बडिंग के द्वारा होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से स्पोरोफाइट बनता है जो फूड सीटा कैप्सूल रखता है। और स्पोरोफाइट जो मॉस में होता है वो लिवर वर्ट की तुलना में ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा इलेबोरेट होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के बाद में, और मॉसेस में इलेबोरेट मैकेनिज्म पाई जाती है स्पोर डिस्पर्सल की। स्पोर डिस्पर्सल की कौन सी मैकेनिज्म पाई जाती है, स्पोर डिस्पर्सल की कौन सी मैकेनिज्म पाई जाती है यहाँ पर कोई बता सकता है? मॉसेस में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, तीन नाम आपको गिन के दिए गए, तीनों आप याद रखेंगे। स्पोर डिस्पर्सल के लिए कौन सी मैकेनिज्म पाई जाती है, पेरिस्टोम, पेरिस्टोम टीथ यहाँ पर पाए जाते हैं। पेरिस्टोम टीथ यहाँ पर डिस्पर्सल के लिए होते हैं। और अगर हम बात करते हैं लिवरवर्ट की, तो मॉस की बात हो गई, पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं, इलेटर नहीं होते बेटा, इलेटर तो लिवरवर्ट में पाए जाते हैं। नो 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 नो, इलेटर इलेटर कर रहे हो तुम लोग, पेरिस्टोम होता है बेटा मॉस में, इसलिए मैंने पूछा है। इलेटर मैकेनिज्म तो लिवरवर्ट में होती है, ओके। हाँ, मार्केंशिया में इलेक्ट्रो मैकेनिज्म होती है, यहाँ पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। बस एक चीज तुम लोग रट ले तो बस, थोड़ा सा गैप दे दिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बेटा, है ना। अब बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, इस चैप्टर में करीब 15 मिनट लगेगा और अगले चैप्टर में करीब 20-25 मिनट लगेगा, है ना। तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे 7 बजे, ठीक है, 7 बजे हम लोग क्लास फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो 10-12 मिनट का गैप ले लेते हैं एक, है ना। तब तक तुम लोग चाय पी लो, जल्दी से पी लो, फिर मैं आता हूँ, ठीक। 7 बजे हम लोग मिलते हैं बेटा, ओके, 7 बजे मिलते हैं। तब तक ऐसा कर सकते हो, अगर आपने वो सेट नहीं दिया है सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, तब तक तुम लोग दे लो, है ना। जो सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट है तब तक तुम लोग वो दे सकते हो, है ना। जिन्होंने दे दिया वो म्यूजिक का आनंद ले।
चलो आ जाओ बेटा। पिलगी हम पढ़ चुके हैं, ब्रायो हम पढ़ चुके हैं, अब आ चुके हैं टेरिडोफाइट पे, है ना। टेरिडोफाइट पे, टेरिडोफाइट में हम इंक्लूड करते हैं किसको? हॉर्सटेल को और फर्न को इंक्लूड करते हैं। टेरिडोफाइट को मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया था और सॉइल बाइंडर के तौर पे यूज किया था। इन्हें ऑर्नामेंटल ने सजावटी प्लांट के तौर पे भी ग्रो कराते हैं। ये सबसे पहले ऐसे टेरिस्टल प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ये आपको याद करना है। कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज लाइफ में होती है वो गैमेटोफाइट होती है, लेकिन टेरिटो, जिम्नो और एनजीओ में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, जो डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट स्टेम और लीफ में, और इन सभी के अंदर वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट की पत्तियां छोटी हो सकती हैं जिन्हें माइक्रोफिल कहते हैं जैसे सेलेजनेला में, और बड़ी हो सकती है जिन्हें मैक्रोफिल कहते हैं जैसे फर्न में। अब यहाँ पर बेटा कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें कोन पाए जाते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन प्रेजेंट होते हैं, सिलेजनेला और इक्विसिटम में कोन पाए जाते हैं। और इन ये जो कोन होते हैं, कोन का फॉर्मेशन किससे होता है? स्पोरोफिल से होता है। और स्पोरोफिल की अगर हम बात करें तो स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। अब स्पोरेंजिया मियोसिस के दौरान इनमें जो स्पोर मदर सेल होती है वो स्पोर का फॉर्मेशन करती है, और स्पोर जर्मिनेट करके स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट को बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस, यहाँ पर गैमेटोफाइट का नाम प्रोथैलस है। गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और सैडी प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है। चूंकि गैमेटोफाइट के ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है, इसीलिए जो लिविंग टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, और ये दुनिया के बहुत ही नैरो जियोग्राफिकल रीजन में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंथ्रोजॉइट यानी मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए, और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं आर्चिगोनियम के अंदर तो इससे जायगोट बनता है। जायगोट से मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएट स्पोरोफाइट बनता है जो कि डोमिनेंट फेज होती है टेरिडोफाइट की। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, ऐसे प्लांट को होमोस्पोरस कहते हैं, लेकिन सिलेजनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला इनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, बड़े वालों को मैक्रोस्पोर, छोटे वालों को माइक्रोस्पोर कहा जाता है। और जो टेरिडोफाइट दो तरह के स्पोर बनाते हैं उन्हें हेट्रोस्पोरस का नाम दिया जाता है। जो मेगा स्पोर होते हैं बेटा, मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। हेट्रोस्पोरस प्लांट में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन रहता है, और जो जायगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर, और ये इसे सीड हैबिट कहा जाता है। सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ पर हुई? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में हुई, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, इवोल्यूशन में खूब पूछा जाता है। टेरिडोफाइट को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, सेलेजनेला, स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम और टेरोप्सिडा में ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम आ जाता है। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट का नाम दिया जाता है क्योंकि इनके जो ओव्यूल होते हैं उनके ऊपर ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है। सीड का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है और ये कवर्ड नहीं होते यानी नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के ट्री भी पाए जाते हैं और टॉल ट्री भी होते हैं और श्रब होते हैं। टॉलेस्ट अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो रेडवुड ट्री सिकोया, ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। रूट यहाँ पर जनरली टैप रूट पाई जाती है डाइकॉट की तरह। कुछ रूट में फंगल एसोसिएशन होता है, जैसे पाइनस में फंगल एसोसिएशन होता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं। और साइकस की कोरोलॉयड रूट की अगर बात करें तो इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है। स्टेम की बात करें तो स्टेम अनब्रांच हो सकता है साइकस में, ब्रांच्ड हो सकता है पाइनस और सिट्रस में। लीव सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस में पिन्नेट लीव कुछ समय के लिए परसिस्ट करती है, और जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है ये वेल अडॉप्टेड होती हैं एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को टॉलरेट करने के लिए। कॉनिफर में नीडल लाइक लीफ पाई जाती है जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं, और इनमें थिक क्यूटिकल और सनकिन स्टोमेटा वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, और ये आपसे एग्जाम में नीट में पूछा भी गया था।
सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। देखिए ज्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं, लेकिन सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं और ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर कोनिया स्ट्रोबिलाई की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मेल स्ट्रोबिलाई और जो मेल स्ट्रोबिलाई होते हैं इन्हें माइक्रोस्पोर एंजियट कहा जाता है या मेल कोन कहा जाता है, और दूसरे फीमेल कोन होते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है उसे पॉलन ग्रेन का नाम दिया जाता है। और इसके बाद आप आ जाइए यहां पर, हाँ मेल और फीमेल कोन समझिएगा, मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पर हो सकते हैं जैसे पाइन, जिसे हम कहते हैं मोनोइसिस, लेकिन साइकस में मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल अलग अलग प्लांट पर होते हैं जिसे आप डायसियस कहते हो। साइकस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइकस में मेल कोन होता है लेकिन फीमेल कोन नहीं पाया जाता, यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होती है। और क्या खास बात यहाँ पर याद करनी है आपको, आपको ये याद करना है कि जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया का नंबर, आर्चिगोनिया दो या दो से ज्यादा होती है, दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे साइकस में दो से आठ आर्चिगोनिया पाई जाती है। अब टेरिटो और प्रायो में आप अगर देखें तो वहां पर आपने देखा था कि जो गैमेटोफाइट होता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन की अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन को एयर के द्वारा, यानी सभी जिम्नोस्पर्म में एयर के द्वारा पॉलिनेशन, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सीड कवर्ड नहीं होते हैं। अब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है और यहाँ पर फ्लावर पाए जाते हैं, यहाँ पर फ्लावर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर सीड फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं और ये जैसे सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें उल्फिया, और सबसे अगर टॉलेस्ट की बात करते हैं तो यूकेलिप्टस हो जाएगा जो कि 100 मीटर से ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये हमें फूड, फॉडर, फ्यूल और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और इनको दो क्लास में डिवाइड किया था, डाइकॉटिलेडनस एंड मोनोकॉटिलेडनस। डाइकॉटिलेडनस में सीड में दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं, रेटिकुलेट विनेशन होता है और टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर पाए जाते हैं। मोनोकॉट की बात करें तो इनके सीड में एक कॉटलिडन होता है, पैरेलल विनेशन लीफ में होता है और ट्राइमेरस फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो कंडीशन यहाँ पर सारी चीजें आपको दी गई, ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये सारा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एंजियोस्पर्म में ए फिगर डाइकॉट का है और बी फिगर मोनोकॉट के लिए आपको दिखाया गया है। बाकी यहाँ पर कोई खास बात अगर होती तो मैं दिखा देता हूं आपको, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड और एंटीपोडल डी जनरेट कर जाते हैं, ये लाइफ साइकिल दिखाई गई जो कि बहुत खास नहीं। अब बात करते हैं प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना और स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट का बनना, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और तीन तरह के पैटर्न होते हैं हैप्लोन्टिक। हैप्लोन्टिक पैटर्न को पहचानने का तरीका यह होता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी डिप्लॉयड फेज केवल जायगोट में नजर आती है, यहाँ पर फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता और जायगोट में मियोसिस होती है जिससे हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। जायगोट में मियोसिस हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में होती, जैसे ज्यादातर एल्गी में कंडीशन पाई जाती है जैसे वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में। यह आपको इसका फिगर दिया गया हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का। दूसरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है सीड बेयरिंग प्लांट। सीड बेयरिंग प्लांट की मतलब यहाँ पर जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात करें, ऑल सीड बेयरिंग प्लांट जैसे जिम्नो और एंजियो में ये पैटर्न पाया जाता है, लेकिन कुछ एल्गा है जैसे फ्यूकस की अगर हम बात करें, फ्यूकस एक एल्गा है लेकिन इसमें भी डिप्लॉन्टिक पैटर्न पाया जाता है, इसमें डिप्लॉन्टिक पैटर्न होता है। अब ब्रायो और टेरिडो बच्चे, ब्रायो और टेरिडो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न प्रेजेंट होता है, ये फिगर आपको डिप्लॉन्टिक का दिया गया और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक का पैटर्न आपको दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रायो में,
तो ब्रायो में डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉयड या इरेक्ट फेज होती है गैमेटोफाइट, जबकि अगर आप टेरिडो की बात करते हैं तो टेरिडो में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है ये डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक और वेस्कुलर होता है, क्लियर। और यहां पर अगर ब्रायो में आप देखें तो यहां पर जो स्पोरोफाइट होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, शॉर्ट लिव होता है और टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे एंकरेज और न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन अगर आप टेरिडो में देखें तो यहां पर स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है और जो गैमेटोफिटिक होता है ये भी इंडिपेंडेंट होता है ना, जो गैमेटोफिटिक फेज होती है जिसे प्रोथेलस कहते हैं ये भी इंडिपेंडेंट होता है। अब ज्यादातर एल्गी हैप्लोन्टिक होती, लेकिन एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया केल्प हैप्लोन्टिक होती है और फ्यूकस में डिप्लोन्टिक पैटर्न पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये नीट में लगातार आपसे पूछा भी जा रहा है। ये समरी आपको दी गई, समरी में ये पॉइंट खास है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पजेस्ड एंड द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस, क्लोरोफियो एंड द रोडोफाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब आते हैं एनिमल किंगडम। इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं, एनिमल किंगडम की बात करेंगे। लाइक करते रहो ना लाइक हो, अभी वन के लाइक नहीं कंप्लीट हुआ है। और ये भी आपका सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर एक आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और होगा बेटा, एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अभी और होगा और आज दो टेस्ट और मैं कराऊंगा आपके, है ना। तो कल एक टेस्ट मैंने कराया था, सेट टू अपलोड कर दिया गया, सेट थ्री अभी जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा वैसे सेट थ्री आ जाएगा, फिर रात में सेट फोर में करवा दूंगा और कल पांच छह सेशन और मैं करा दूंगा, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि जो आपके एनटीए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको सेट के द्वारा ही करा दिया जाए, ये सही रहेगा, क्योंकि एनटीए और प्रीवियस ईयर पेपर में 40-40 मिनट लग जाता है, यहाँ पर 40 मिनट में दो सेशन आपके सेट के हो जाएंगे, है ना। बेटा मॉर्निंग में थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, है ना, इसीलिए नहीं आया था मैं, लेकिन उसकी जगह पर मैं सेट करा दूंगा आपको, ठीक है। सेट ज्यादा इफेक्टिव होगा इस समय, क्लियर बेटा। एनटीए और प्रीवियस ईयर का सेट करा देता हूँ, सेट जल्दी भी हो जाएगा और उससे आपको, है ना, टेस्ट बेटा यहीं पर यूट्यूब पे ही होता है, यूट्यूब पे ही होगा और कहीं नहीं जाना अलग आपको। आज एक सेट हो चुका है, सेट नंबर टू, सेट नंबर थ्री, सेट नंबर फोर, आज एक और होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, 7:16 हो रहा है, एनिमल किंगडम को शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल की स्पीसीज है, 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल की स्पीसीज है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एनिमेलिया के सारे मेंबर मल्टी सेलर है। अब सेलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में होता है। टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्लेटी हेलमिंथ की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और एस्क हेलमिंथ से ऊपर के जितने भी एस्क हेलमिंथ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटी हेलमिंथ में इनकम्प्लीट कहलाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट है तो इसका मतलब दो ओपनिंग पाई जाएंगी, एक माउथ का काम करेगी और एक एनस का काम करेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में और हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है, क्लियर। सिमेट्री की बात करें तो स्पॉन्जेज एसिमेट्रिकल होती हैं। रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइडर्मेटा में, लेकिन इकाइडर्मेटा में कहाँ पर, एडल्ट में पाई जाती है, एडल्ट में, और बाकी समय बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा,
कि जो इकाइंडरमेटा में लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि एक एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है और एक एंडोडर्म पाई जाती है। सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें मीजोग्लिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, मीजोडर्म नहीं मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। ये देखो मीजोग्लिया आपको दिखाई गई जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है। तो मीजो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन होते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटी हेलमिन से कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। सीलोम की अगर हम बात करते हैं तो सीलोम बेटा जिन एनिमल में सीलोम या बॉडी कैविटी पाई जाती है उन्हें सीलोमेट का नाम दिया जाता है, जैसे एनिलेडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइंडरमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब सीलोमेट एनिमल है। कुछ एनिमल में जो सीलोम होता है वो मीजोडर्म के द्वारा लाइन नहीं होता बल्कि मीजोडर्म स्केटर्ड पाउचेस के रूप में होता है, ऐसे एनिमल को स्यूडो सीलोमेट कहा जाता है और इस सीलोम को स्यूडो सीलोम कहा जाता है, जैसे एस्केलेमिन, तो ये खूब पूछा जाता है। अब कुछ एनिमल में सीलोम नहीं होता उन्हें ए सीलोमेट कहते हैं, जैसे प्लेटी हेलमिन की बात करें, देखिए ये ट्रू सीलोम आपको दिखाया गया जो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइन है, स्यूडो सीलोम दिखाया गया जहां पर मीजोडर्म पाउचेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए ये ए सीलोमेट है जहां पर कोई भी सीलोम आपको नजर नहीं आ रहा है। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन को ट्रू सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म का नाम दिया जाता है और ये तीन फाइला में प्रेजेंट होता है, तीन फाइला एनसीईआरटी ने बताए, एनिलेटा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, तीन ऐसे फाइल हैं जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, रॉड लाइक होता है, डॉर्सल साइड में बनता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पाया जाता है। जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं, जिनमें नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक के मेंबर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा के मेंबर कॉर्डेट कहलाएंगे। अब एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इस फिगर में कुछ चेंजेस एनसीईआरटी ने किए हैं, है ना, जैसे यहाँ पर एक लाइन आप देख लीजिएगा जो खास है आपके लिए कि इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज, अगर लार्वल स्टेज है तो लैटरल सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होगी और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। तो 11 फाइला आपको पढ़ने, पहला जो फाइलम है दैट इज द पोरीफेरा, फाइला इज द प्लूरल वर्ड, फाइलम इज द सिंगुलर वर्ड। तो अब इस फाइलम के मेंबर को हम स्पॉन्जेस कहते हैं, जनरली मैरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, है ना, इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर बॉडी में एंटर करता है माइन्यूट पोर ऑस्टिया के द्वारा और पानी यहाँ पर पहुंचता है सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील के अंदर और ऑस्कुलम के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। ये जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। कोएनोसाइट या कॉलर सेल पाई जाती है जो स्पॉन्जोसील की लाइनिंग बनाती है, कैनाल की लाइनिंग बनाती है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, बॉडी सपोर्टेड होती है स्केलेटन के द्वारा जो स्पिक्यूलिया स्पॉन्जिन फाइबर से बनी होती है, सेक्स से सेपरेट नहीं होता, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन पाई जाती है और स्पॉन्जेज एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं या जेन्यूल फॉर्मेशन के द्वारा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं गैमेट के फ्यूजन के द्वारा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है जो कि नहीं याद करना है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जो याद करना, मतलब जब इनडायरेक्ट कहेगा तो मतलब लार्वा पाया जाता है और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से डिफरेंट होता है। ये एग्जांपल दिए गए साइकॉन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला, ये तीन एग्जांपल। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है और साइकॉन को स्काइफा कहा जाता है। दूसरा फाइला में सिलेंटेटा जिसे नेडेरिया कहा जाता है, एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर मैरीन होते हैं, ससाइल या फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडली सिमेट्रिकल होते हैं। निडेरिया नाम कहाँ से आया, इनमें स्पेशल टाइप की सेल होती है निडोब्लास्टिया निडोसाइट जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल नेमेटोसिस पाया जाता है और ये निडोब्लास्ट टेंटिकल और बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। निडोब्लास्ट का काम क्या है, एंकरेज अटैचमेंट, डिफेंस, कैप्चर ऑफ द प्रे। इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ जो हाइपोस्टोम के ऊपर पाया जाता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। कुछ निडेरियन जैसे कि कोरल की बात करें, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है। निडेरियन में दो तरह के बॉडी प्लान होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है जैसे हाइड्रा और रेमसिया, और अगर हम मेडुसा की बात करें तो मेडुला अम्ब्रेला शेप होती है और फ्री स्विमिंग होती है जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश। कुछ निडेरियन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरह के फॉर्म पाए जाते हैं जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहते हैं, और इसमें पॉलिप मेडुसा को एसेक्सुअली बनाती है और मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है जैसे ऑबिलिया की हम बात करें। एग्जाम्पल फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर,
एडेमसिया सी एनिमोन, पिनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी, सिवली मैरिन होते हैं। इनकी बॉडी में एक्सटर्नल रो सीलेटेड कॉम्प्लेट की पाई जाती है जो लोकोमोशन में मदद करती है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों तरह का बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये बाइसेक्सुअल होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ये खास बात है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा पाया जाता है जिसका नाम है सीडिपिड, जो एनसीईआरटी में आपको दिया नहीं गया। सीडिपिड नाम का लार्वा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना हो जाएगा। ये आपको प्लूरोब्रैकिया का एग्जाम्पल दिया गया, जहां पर ग्रीन कलर से सीलिएटेड कॉम्प्लेट आपको दिखाई गई। नंबर गिनेगा 8 नंबर मिलेगा, और ये दो टेंटिकल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दो टेंटिकल भी यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जो कि लिखा नहीं है एनसीईआरटी में। अब आते हैं चौथे फाइलम पे, जिसका नाम है प्लैटीहेल्मिंथ। इनमें डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनका नाम फ्लैटवर्म है। ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, हुक और सकर पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, और ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट होस्ट की बॉडी से। इनमें फ्लेम सेल पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल तो ध्यान नहीं देना है, और डेवलपमेंट में मेनी लार्वल स्टेजेस, ये खास बात, मेनी लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, एग्जाम्पल टीनिया, टेपवर्म और फेशोला लिवर फ्लूक। ये देखिए, ये टेपवर्म है और ये लिवर फ्लूक फेशोला आपको दिखाया गया। फाइलम नंबर 5 है एस्केल्मिंथ। एस्केल्मिंथ की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है, और ये फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक होते हैं। राउंड वर्म की बात करें तो स्यूडो सिलोमिक होते हैं, ये खास बात यहाँ पर। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, और यहाँ पर वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है। सक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब ये टाइसियस होते हैं, और फीमेल मेल की तुलना में लॉन्गर। ये मेल और फीमेल, और फीमेल में आप देखो फीमेल की लेंथ ज्यादा है, और मेल में पोस्टीरियर एंड यहाँ पर कर्व होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एस्केरिस राउंड वर्म, उचरेरिया फाइलेरियल वर्म और एंकाइलोस्टोमा हुक वर्म, ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको दिए हैं। अगला फाइलम नंबर 6 है, दैट इज द एनिलिडा। इसको पढ़ो, एक मिनट में आ रहा हूं। चलो शुरू करें। तो एनिलिडा,
एनिलिडा के मेंबर एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में मैरीन या फ्रेश वाटर, या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग जैसे अर्थवर्म, पैरासिटिक जैसे लीच की अगर हम बात करते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता, खास बात है यहाँ पर, पहली बार सिलोम अपीयर हुआ और इनकी बॉडी सेगमेंट या मेटामर में डिवाइड होती, इसलिए फाइलम का नाम एनिलिडा है ना। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती है जो लोकोमोशन में मदद करती है। एक्वेटिक एनिलिड जैसे नेरिस में पैराफोडिया पाए जाते हैं जो स्विमिंग या लोकोमोशन में मदद करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नेफ्रिडिया पाई जाती है जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं, और यहाँ पर न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंगलिया होते हैं जो कि लेटरल नर्व के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। ये खास बात है। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म जो कि डायसियस होता है, जबकि अर्थवर्म और लीचेज मोनोसियस होती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। नेरिस फेरिटिमा जिसे अर्थवर्म कहते हैं, और हिरुडिनेरिया जो ब्लड सकिंग लीच जिसे आप जोंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको नेरिस का फिगर दिया गया है और हिरुडिनेरिया का फिगर दिया गया है। सातवां फाइलम है आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम है। 2/3 यानी आप कह सकते हैं कि जो 67% स्पीसीज अर्थ की हैं वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं। अब आर्थ्रोपोड में अगर हम बॉडी की बात करें तो कवर होता है काइटनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा, बॉडी हेड थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, इनमें जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन गिल के द्वारा, बुक गिल के द्वारा, बुक लंग के द्वारा, ट्रेकल सिस्टम के द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, सेंसरी ऑर्गन एंटीनी आइज स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन पाए जाते हैं, एक्सक्रीशन मालपीजन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है, और ज्यादातर डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, ज्यादातर ओवी पैरस नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जैसे एपिस हनी भी जिससे हमें शहद मिलता है, बॉम्बिक सिल्क वर्म जिससे हमें सिल्क मिलता है, रेशम, और लैसिफर जिससे लैक इंसेक्ट लाख मिलता है। वेक्टर एनोफ्लीज क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज क्या कैरी करता है? एनोफ्लीज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया को, क्यूलेक्स की अगर हम बात करें फाइलेरिया को, और एडीज डेंगू और चिकनगुनिया को। ग्रेगेरियस स्पेसिमेन लोकस्टा आ जाएगा जिसे लोकस कहते हैं, और लिविंग फॉसिल लिम्नस किंग क्रैब आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फाइलम एट है मोलस्का, और ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। बॉडी कैलकेरियस सेल के द्वारा कवर्ड होती है, और बॉडी अनसेगमेंट होती है जिसमें हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर स्किन की मेंटल बनाती है जो कि विसरल हम को कवर करता है। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी जिसमें फेदर लाइक गिल पाए जाते हैं। यहाँ पर गिल का काम क्या है? रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। गिल का काम रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों होता है। एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं। माउथ में फाइल लाइक ऑर्गन होता है जो फीडिंग में मदद करता है जिसे रेडुला का नाम दिया जाता है। ज्यादातर यूनिसेक्सुअल और ओविपैरस होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा पाया जाता है जैसे पाइला एप्लेसनल घोंगा जिसे आप कहते हैं, पिंटाडा पल ओइस्टर मोती ये बनाता है, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश दानो मछली, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल, और चीटोप्लूरा चीटन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। फाइलम नंबर 9 है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस ऑस्किल का, और इन्हें स्पाइनी बॉडीड एनिमल भी कहा जाता है। एडल्ट इकाइनोडर्म रेडली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वा बायलेटली सिमेट्रिकल होता है, और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जहां पर माउथ लोअर यानी वेंट्रल साइड में और एनस डॉर्सल यानी अपर साइड में पाई जाती है। ये एस्टिडियास दिखाया गया, और ये ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार आपको दिखाया गया है। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में मदद करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ये खास बात है यहाँ पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है फ्री स्विमिंग लार्वा के द्वारा। एस्टीरियास स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी ककम्बर, एंड ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। फाइलम नंबर 10 हेमिकॉर्डेटा, इसमें चेंज भी किया गया है। हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइलम माना जाता था फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, लेकिन अब इसे सेपरेट फाइलम बना दिया गया नॉन कॉर्डेटा के अंदर। अब ये लाइन जोड़ी गई, हेमिकॉर्डेटा में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता कॉलर रीजन में जिसे स्ट्रोमोकॉर्ड कहते हैं, और स्ट्रोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की तरह लगता है, इसलिए पहले से कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन अब इसे कॉर्डेटा से बाहर कर दिया गया। ये बेलेनोग्लॉसिस दिखाया गया, बॉडी तीन पार्ट में प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती, यहाँ पर लिखा भी है। ये स्मॉल ग्रुप है वर्म लाइक मैरीन एनिमल का जिनमें बॉडी प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन गिल के द्वारा, और एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड बहुत खास है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होता है जैसे बेलेनोग्लॉसिस का लार्वा टॉर्नेरिया होता है।
बेलेनोग्लॉसस और सेरकोग्लॉसस जो एग्जांपल दिए गए, फाइलम नंबर 11, लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा जिससे हम बिलोंग करते हैं। कॉर्डेटा फाइलम में नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट होती है। ये देखिए फिगर है, जिन्हें कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक में नर्व कॉर्ड सबसे डॉर्सल साइड में, देन नोटोकॉर्ड पोस्ट एनल्टेल और गिल स्लिट पाई जाती है। अब इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पोस्ट एनल्टेल प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एबसेंट है। यहाँ पर पोस्ट एनल्टेल प्रेजेंट है, यहाँ पर पोस्ट एनल्टेल एबसेंट है, यहाँ पर गिल स्लिट प्रेजेंट है, यहाँ पर गिल स्लिट एबसेंट है। तीन बातें एक साथ याद करिएगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व कॉर्ड डॉर्सल होलो सिंगल होता है हम लोगों में, और नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल सॉलिड डबल, एकदम उल्टा करना है ना। यहाँ पर हर्ट वेंट्रल होता है और अगर नॉन कॉर्डेट में हर्ट देखें तो अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा। फाइलम कॉर्डेटा को तीन सब फाइला में डिवाइड किया गया, यूरो कॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा कहते हैं इसे, दूसरा सिफेलो कॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा, हम लोग वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। अब सब फाइला यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा को मिला के प्रोटो कॉर्डेट कहते हैं, प्रोटो कॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मेरिन होते हैं। यूरो कॉर्डेटा के मेंबर में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की टेल में होता है, जबकि सिफेलो कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड से रीजन तक पाया जाता है और पूरी जिंदगी भर एग्जिस्ट करता है। यूरोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम और सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फीऑक्सिस या लेंसलेट होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये जो सिफेलोकॉर्डेटा में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? ये एसिडिया आपको ट्यूनिकेटा का मेंबर दिखाया गया। क्या कोई मुझे बता सकता है सिफेलोकॉर्डेटा में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? चलो अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा सबफाइलम के बारे में। वर्टिब्रेटा सबफाइलम की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट में नोटोकॉर्ड को कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। नहीं बायोटिक बेटा कल होगा, ठीक है बायोटिक कल होगा। नेफ्रिडिया नहीं बेटा, फ्लेम सेल पाई जाती है, फ्लेम सेल पाई जाती है। अच्छा तो वर्टिब्रेटा में देखिए, वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट में मस्कुलर चैम्बर हर्ट होता है जिसमें दो तीन या चार चैम्बर होते हैं, किडनीज पाई जाती है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडिसेस फिन या लिम्ब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्लासिफिकेशन है। वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, एग्नेथा जिनमें जॉ नहीं होते और नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ होते हैं। अब एग्नेथा में एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा में छह क्लासेस होते हैं। अब नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास पाइसेस और टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया। पाइसेस में फिन होते हैं और टेट्रापोडा में लिम्ब होते हैं। पाइसेस के दो क्लास है कॉन्डिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेज और ऑस्टिक्थिस बोनी फिशेज, और टेट्रापोडा में चार लिम्ब होते हैं, उनके चार क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और मैमिलिया। तो टोटल अगर वर्टिब्रेटा की आप बात करें तो सेवन क्लास है यहाँ पर, सेवन क्लास। एग्नेथा की बात करें तो यहाँ पर एक क्लास है, नेथोस्टोमेटा में छह क्लास है। अगर पाइसिस की बात करें तो इसमें दो क्लास है, और टेट्रापोडा की बात करें तो इसमें चार क्लास हो जाएंगे। हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैमिलिया सबसे लास्ट क्लास है और आप जानते हैं जो सबसे बाद में आता है सबसे ज्यादा एडवांस होता है। तो चलिए पहले क्लास से शुरुआत करते हैं। पहला जो क्लास है दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान से सुनिएगा बहुत खास है। साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी मेंबर हैं ये सब एप्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर। इनमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम में सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है लेकिन जॉ नहीं होते, तभी तो एग्नेथा के मेंबर हैं। इनकी बॉडी पे स्केल नहीं पाए जाते और पेयर्ड फिन नहीं होते, हाँ अनपेयर्ड फिन जरूर यहाँ पर पाए जाते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होगा। साइक्लोस्टोम माइग्रेट करते हैं, मैरिन होते लेकिन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, और स्पॉनिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस मैरिन वाटर में ओशन में लौट आता है, जैसे पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहते हैं। इसके लार्वा का नाम अगर बता सकें तो बताइए, मिक्सिन या हैगफिश, है ना। पेट्रोमाइजोन में कौन सा लार्वा पाया था, ये आपको पेट्रोमाइजोन दिखाया गया। एक जॉलेस वर्टिब्रेट यहाँ पर है। चलिए अब दूसरे क्लास की बात करते हैं, दैट इज कॉन्डिक्थी, जिन्हें कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ वेंट्रल साइड में पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर प्रोसेस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो गिल होते हैं उनमें ऑपरकुलम या गिल कवर नहीं पाए जाते हैं ना। स्किन में प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं और टीथ जो होते हैं वो प्लेक्वाइड स्केल का ही मोडी, अमोसिट लार्वा पाया जाता है, ठीक अमोसिट लार्वा।
और मिक्सिन में कौन सा लार्वा होता है, मिक्सिन में, पेट्रोमाइजोन में तो ओमोसीट लार्वा होता है, मिक्सिन में कौन सा लार्वा पाया जाता है, इनके जो टीथ होते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं और जॉ बहुत ही पावरफुल होती है, ये प्रीडेसियस यानी शिकारी होती है, एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता और इसलिए इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है डूबने से बचने के लिए। दो फिगर आपको दिए गए हैं, ऊपर आपको स्पोलियोडॉन डॉगफिश दिखाई गई और नीचे आपको प्रिस्टिस यानी सॉफिश दिखाई गई है। अच्छा हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो मिक्सिन होता है उसमें लार्वा नहीं पाया जाता है। फिशेज में दो चैम्बर हर्ट होता है, एक ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल होता है, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, टॉर्पीडो, इसे इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है, टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं और पॉइजन स्टिंग पाई जाती है ट्राइगोन में, इसलिए ट्राइगोन को स्टिंग रे का नाम दिया जाता है। ये पॉइक्लोथर्मस नेचर के, तो पॉइक्लोथर्मस बर्ड और मैमल को छोड़ के सभी होते एक साथ, आप ध्यान रखेंगे इसको। इनमें मेल में जो पेल्विक फिन होता है उनमें क्लेस्पर पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल एकदम डिफ्रेंसिएबल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें से कई ऐसे होते हैं जो वीवी पैरस होती हैं, एग्जाम्पल स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रेस्टिस सॉफिश, कर्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, जैसा कि यहाँ पर आपको स्कॉलियोडॉन डॉगफिश और प्रेस्टिस आपको सॉफिश यहाँ पर दिखाई भी गई हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए जो याद करेंगे। अब आते हैं क्लास नंबर 3, ऑस्टिकथिस। ऑस्टिकथिस की बात करें बेटा तो यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए इन्हें बोनी फिशेस कहते हैं, माउथ टर्मिनल होता है और यहाँ पर 4 पेयर गिल पाए जाते हैं और ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है, स्किन में साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो बायोंसी प्रोवाइड करता है, बाकी हर 2 चैम्बर का होता है, कोल्ड ब्लड होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवी पैरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जैसे मैरीन, मैरीन में एक्सोसिटस जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू कैटला कैलेरियस मांगोरो, एक्वेरियम में बेट्टा जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं, टेरोफिलम जिसे एंजल फिश कहते हैं, यहाँ पर आपको पहली हिप्पोकैम्पस दिखाई गई और दूसरी कैटला आपको दिखाई गई। हिप्पोकैम्पस जो कि मैरीन फिश है सी हॉर्स कहते हैं और यहाँ पर दूसरी जो आपको दिखाई गई है कैटला, ये एक फ्रेश वाटर, तो ये मैरीन है और ये फ्रेश वाटर है, अलग अलग इनको ध्यान जरूर रखिएगा। चौथा क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया टर्म बताता है कि ये इनका जो लाइफ होती है डुअल लाइफ होती है, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती, टेल कुछ में प्रेजेंट होती लेकिन फ्रॉग में टेल नहीं पाई जाती, एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि स्केल नहीं पाए जाते हैं, आई जो होते हैं उनमें आईलेट पाई जाती है, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में ओपन करते हैं जिसे क्लोएका कहा जाता है, रेस्पिरेशन गिल के द्वारा, लंग के द्वारा और स्किन के द्वारा होता है, हर्ट 3 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल होता है यहाँ पर, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा होता है, जैसे टैटपोल लार्वा, ब्यूफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर, सेलेमेंडर और इक्थियोफिश लिम्बलेस एम्फीबिया, इसमें लिम्ब नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये सेलेमेंड्रा दिखाई गया जिसमें टेल है, लेकिन फ्रॉग आपको जो दिखाई गया इसमें टेल नहीं पाई जाती है, फ्रॉग का जो जेनरिक नेम है वो राना हो जाएगा। यहाँ पर अब आते हैं क्लास नंबर 5, दैट इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया नाम आया इनके क्रॉपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन से। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन के द्वारा या एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट के द्वारा, इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाती, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, लिम्ब अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर होंगे, हर्ट यूजुअली 3 चैम्बर होगा लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, रेप्टाइल भी पॉइक्लोथर्म होते, स्किन स्नेक और लिजर्ड यानी सांप और छिपकली अपनी स्केल को स्किन कास्ट के रूप में केचुल के रूप में निकालते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवी पैरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी लार्वा नहीं पाता है, एग्जाम्पल बहुत सारे, चिलोन टर्टिल, टेस्टोडो टॉर्टोइस जिसे आप कछुआ कहते हैं, कैमिलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल क्रोकोडिलस, एलिगेटर, हेमीडक्टाइलिस वॉल लिजर्ड घर वाली छिपकली है ना, पॉइजनस स्नेक नाजा जैसे कोबरा, बेंगारुस करेत और वाइपेरा वाइपर, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, कैमिलियन, क्रोकोडिलस, चिलोन टर्टिल और ये नाजा आपको दिया गया है, नाजा कहता नाजा कोबरा पॉइजनस स्नेक है जहरीला और ये खुद कहता है कि नाजा है ना। चलिए क्लास नंबर 6 पे चलते हैं, एप्स बर्ड की बात करते हैं ना, बर्ड की बात करें तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है फीदर का पाया जाना और ज्यादातर इनमें से उड़ सकती हैं लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं जैसे ऑस्ट्रिच की बात करें, इनमें वीक पाई जाती, चोंच पाई जाती है, 4 लिम्ब विंग में मॉडिफाई हो जाते और जो हाइंड लिम्ब होते हैं इन पे स्केल पाए जाते और ये मॉडिफाई होकर वॉकिंग स्विमिंग क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस के लिए, स्किन ड्राई होती है इस पे ग्लैंड नहीं पाई जाती, केवल बेस ऑफ टेल पे एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है,
एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड। हमारा एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज दोनों का बना, बर्ड में केवल और केवल बोन पाई जाती है। और लॉन्ग बोन जो होती है बेटा उनमें एयर कैविटी यानी न्यूमेटिक बोन होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्ड में दो एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गेजर, जो कॉकरोच में आपने पढ़े थे। हर्ट फुल्ली फोर चैम्बर्ड होता है और ये वार्म ब्लडेड है, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। रेस्पिरेशन होगा लंग्स के द्वारा और एयर सैक कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब यहां पर ये ओवीपेरस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एग्जाम्पल कॉर्वस क्रो, साइंटिफिक नेम याद करिए, कोलंबा पिजन, सिटेकुला पैरट, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, एप्टेनोडाइट पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। और एग्जाम्पल आप यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं, ये नियोफ्रॉन वल्चर गिद्ध दिखाया गया है, ये स्ट्रुथियो शुतुरमुर्ग दिखाया गया, सिटेकुला पैरट है और ये पेवो पिकॉक है जिसे आप मोर के नाम से जानते हैं। और लास्ट क्लास है मैमिलिया, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। मैमिलिया की अगर हम बात करें तो सबसे यूनिक कैरेक्टर इनका क्या है, प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड, और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इनमें दो पेयर लिम्ब पाए जाते हैं जो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग, बिल खोदने के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए एडॉप्टेड होते हैं। मैमल की स्किन पे हेयर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के टीथ जॉ में पाए जाते हैं, जिसे हेट्रोडोंटेशन कहते हैं। हर्ट फोर चैम्बर का होता है और ये होमियोथर्मिक नेचर के होते हैं। रेस्पिरेशन लंग के द्वारा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता, वीवीपेरस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑर्निथोरिंकस की बात करें, प्लेटिपस, ये ओवीपेरस होता है। बाकी मैमल वीवीपेरस होते हैं, जैसे मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स जिसे आप चमगादड़ कहते हैं, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, काका नहीं मकाका, रेटस रेड, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्कस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, और होमो तो आप जानते हैं ह्यूमन का नाम हो जाएगा, है ना। कुछ फिगर भी दिए गए, जैसे ऑर्निथोरिंकस दिया गया, ये मैक्रोपस कंगारू दिया गया, ये टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है और ये बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल आपको यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट फीचर दिए गए, सेलियंट फीचर आपको दिए गए हैं, तो सेलियंट फीचर में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन आप देखिए तो आपको एनिडा में सेगमेंटेशन दिखाया गया, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन दिखाया गया है और कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक बात ध्यान रखिएगा। फिर आप अगर बात करते हैं स्यूडोसिलोम के बारे में तो एस्केलमिन में स्यूडोसिलोम आपको दिखाया गया है। फिर आप देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम एनलिडा से शुरू हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, आर्थ्रोपोडा से इसकी शुरुआत हुई, उसके पहले तक ये एब्सेंट होता है। खास बातें अगर आप देखना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं पोरीफेरा में अगर आप देखें तो खास पॉइंट क्या होता है, कैनाल, यहां पर कैनाल सिस्टम होता है। सिलेंट्रेटा में निडोब्लास्ट पाई जाती है, टिनोफोरा में कॉम्प्लेट होती है, प्लेटीएलमिन में फ्लैट बॉडी पाई जाती है, एस्केलमिन में इलांगेटेड बॉडी होती है ना, यहाँ पर एनलिडा में बॉडी सेगमेंटेशन होता है रिंग के फॉर्म में, आर्थ्रोपोडा में क्यूटिकल का एक्सोस्केलेटन होता है, मोलस्का में शेल बॉडी के ऊपर पाया जाता है, इकोनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, हेमिकॉर्डेटा में वर्म लाइक एनिमल होते हैं जिनमें प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक होता है, और कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट होते हैं, ये कॉमन फीचर हो गए, है ना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, कितने बजे हमने स्टार्ट किया था इसको, किसी को याद आ रहा है, सात बज के 16 मिनट पे हमने शुरू किया था, 7:16 पे और 7:46 में पूरा हो गया, यानी 30 मिनट लगा, जिसमें 2-4 मिनट और निकल ही गया होगा, है ना, तो 25 मिनट एक्चुअली लगा होगा आपको। ओके, तो चलो ठीक, जल्दी से लाइक करो, फिर एक अभी आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होने वाला है बेटा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 15-20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मॉर्निंग में जो सेशन होते हैं बेटा उनको हम सेल्फ असेसमेंट में ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट ही करवा दिया था उसमें ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कोशिश मैं ये करूंगा कि डेली समय 1000 क्वेश्चन आपको करा दूं। आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा है फ्राइडे और सैटरडे, आप थर्सडे हो ही गया, फ्राइडे सैटरडे बचा, तो मैं सोच रहा हूँ 1000-1000 क्वेश्चन आपको करा दूं, 10 सेशन आपके दिन भर में हूं, है ना, हर क्लास के पहले एक सेशन आपका करा दिया जाए,
तो अब दो यूनिट बची हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे शाम को 5 बजे। कल दो यूनिट हम डिस्कस करेंगे 5 बजे, एक बायोटेक यूनिट बची हुई है और एक ह्यूमन वेलफेयर बची हुई है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक यूनिट बची हुई है और एक ह्यूमन वेलफेयर यूनिट बची हुई है। इन दोनों यूनिट को कल एक साथ हम 5 बजे शाम को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर बच्चों? नहीं, रात में सेशन हम नहीं रखेंगे बेटा, अब रात में सेट ही करवा देते हैं, आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ही करवा देते हैं ना। अब सेशन ज्यादा लेने का मतलब नहीं, अब आप सेल्फ असेसमेंट करिए अपना, है ना, क्योंकि मैंने तो बहुत आपको करा दिया है। केमिस्ट्री की क्लास हाँ हो सकती है। बस बेटा अभी जस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, 7:50 हो रहा है, आप 5 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट पे अभी मैं अपलोड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम लोग फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे कल, है ना। और जो दो यूनिट बचे उनको कवर करेंगे, और फिर परसों सुबह यानी सैटरडे को 5 घंटे की एक मैराथन होगी, 5 घंटे की, टन टना टन 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 टारा, और हम पढ़ेंगे 7 से 12। ये 5 घंटे की मैराथन में पूरे 38 चैप्टर एक बार में फिर से आपको करा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कल पूरा दिन लग जाएगा, है ना। पूरे दिन मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी कल आप दिन भर टेस्ट दीजिए, परसों दिन भर आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट मैं आपको करा देता हूँ इसमें, है ना। तो ठीक है बच्चों, तो अभी बस 5 मिनट में टेस्ट आपका शुरू हो रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, पढ़ाई अपनी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।